वेलकम फ्रेंड माय चैनल ऑल अबाउट फिल्म्स। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2022 की बिगेस्ट फ्लॉप मूवीज के बारे में, जिसमें से नंबर एक पर है कार्तिकेय 2, जिसने अपने पहले दिन लगभग 10 करोड़ का शानदार कलेक्शन किया। तो वही यह फिल्म अपने पहले हफ्ते में लगभग 40 करोड़ का कलेक्शन कर चुकी थी। तो दोस्तों वही दूसरी ओर इस फिल्म ने अपने सातवें दिन भी 10 करोड़ का शानदार कलेक्शन किया। अपने तीसरे वीकेंड में भी इस फिल्म ने लगभग 34 करोड़ का कलेक्शन किया और अपने शुरुआती 10 ही दिनों में बॉक्स ऑफिस पर कार्तिकेय 2 फिल्म हिट साबित हुई। तो दोस्तों वहीं बात करें आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा की, तो इस फिल्म ने अपने पहले दिन लगभग 11 करोड़ का कलेक्शन किया और अपने पहले हफ्ते में लगभग 51 करोड़ का कलेक्शन किया, जिस कलेक्शन की वजह से लाल सिंह चड्ढा एक एवरेज फिल्म साबित हुई। तो दोस्तों वहीं बात करें अक्षय कुमार की फिल्म रक्षाबंधन की, तो इस फिल्म का क्लैश लाल सिंह चड्ढा के साथ होने के बावजूद भी इस फिल्म ने अपने पहले ही हफ्ते में लगभग 40 करोड़ का शानदार कलेक्शन किया और लाल सिंह चड्ढा को बॉक्स ऑफिस पर पीछे छोड़कर एक हिट फिल्म साबित हुई। तो दोस्तों वहीं बात करें सुदीप की पैन इंडिया फिल्म विक्रांत रोना की, तो इस फिल्म ने जहां अपने पहले दिन लगभग 21 करोड़ का कलेक्शन किया, तो वहीं इस फिल्म ने अपने पहले हफ्ते में लगभग 64 करोड़ का शानदार कलेक्शन किया और हिंदी बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म कुछ खास कमाल नहीं कर पाई, जिसकी वजह से इस फिल्म ने हिंदी बॉक्स ऑफिस पर लगभग 12 करोड़ का लाइफ टाइम कलेक्शन किया और हिंदी बॉक्स ऑफिस पर विक्रांत रोना एक एवरेज फिल्म साबित हुई। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और आपके अपने चैनल ऑल अबाउट फिल्म्स को सब्सक्राइब जरूर करना।